दोस्तों, जो भी जेके एसएसबी के एस्पिरेंट हैं, मुझे पूरी तरह से ये एहसास है कि उनका अभी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, एग्जाम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केसेस जो है वो अभी अदालत में चल रहे हैं, कभी सिंगल बेंच तो कभी डबल बेंच, कभी डबल बेंच तो कभी सिंगल बेंच, तारीख पे तारीख लगती जा रही है। इस सिलसिले में जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए हैं, डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी का शिकार हो गए हैं। इन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एसएससी पे स्विच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर कोई रिक्रूटमेंट जो है वो टाइमली कंडक्ट की जाती है, एग्ज़ाम्स भी तकरीबन टाइम पे हो रहे हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, एक तो आप जो हैं स्टडी के साथ इन टच रहेंगे, आपका जो मेन एम है, आपका जो फोकस है वो बिल्कुल बना रहेगा। इसका फायदा ये रहेगा कि आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और तो शायद यहाँ पर आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी, और इसके अलावा आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर सकेंगे, रादर कि आप जेके एसएसबी के एग्जाम्स का वेट करो, ओवर एज हो जाओ और अपना कीमती टाइम जो है वो ज़ाया करो। तो आई होप कि आप इन बातों की तरफ ध्यान देंगे। तो दोस्तों, चलिए जी बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, एसएससी ने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर 2023-24 के लिए पब्लिश किया है। ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर रहेगा। तो चलिए जी, इसमें हम देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन किस किस डेट पर लिया जाएगा एसएससी की तरफ से। दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है एसएससी का, ये उनका रिवाइज्ड एग्जामिनेशन कैलेंडर है। पहले जो दो एग्जामिनेशंस हैं ये ऑलरेडी कंडक्ट किए गए हैं। इसके बाद जो अभी चल रहा है वो एमटीएस का एग्जामिनेशन है, जो कि मई जून 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन ग्रेड 11 2023, ये जून 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख एग्जामिनेशन 2023, ये भी जून में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 यानी CGL का जो एग्जामिनेशन है ये जुलाई 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन 2023, ये अगस्त 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। MTS एग्जामिनेशन 2023, ये सितंबर 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशन है ये अक्टूबर 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2023, ये अक्टूबर नवंबर 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023, ये भी अक्टूबर नवंबर 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, ये भी नवंबर दिसंबर 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है। MTS एग्जामिनेशन 2023 दिल्ली पुलिस, ये दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद ग्रेड सी स्टीनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन 2018-19, ये एग्जामिनेशन फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। SSA UDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद ग्रेड सी स्टीनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन 2020-22, ये एग्जामिनेशन फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद JSA LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2019-20, ये फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2018-22, ये फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। इसी तरह JSA LDC 2021-22, ये एग्जामिनेशन फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। SSA UDC ग्रेड लिमिटेड एग्जामिनेशन 2020-22, ये भी फेब मार्च 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये था SSC का रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर मुख्तलिफ तरह के पोस्टर्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।